की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़का मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी है वो पकड़ लिए दोनों को। अच्छा। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई सिक्योरिटी में, बिल्कुल चूक हुई हमारे सुरक्षा व्यवस्था में, चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया, नहीं कहीं चूक तो हुई है ही। और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है, जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। आप वहाँ मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप मुख्य नहीं। मैं हमें चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा, मैंने देखा एक कोई नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट 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 करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। नहीं चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे, और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स, एवरीबॉडी इज लाइक यू नो एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए।